सुधर जाओ चीन, नहीं तो तुझको तेरी औकात बता देंगे। इस्लामाबाद, कराची क्या, बीजिंग पर भी झंडा भारत का फहरा देंगे। न डाल गलत निगाह मेरे भारत पे, न डाल गलत निगाह मेरे भारत पे, नहीं तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत माता की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम है शुभम राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल उन्नाव वाला बहुआ। तो अभी मैं सुबह सुबह आ गया हूँ यहाँ टहलने। अभी सो के उठा और ऐसे मुँह धोया और चले आया हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के टहलना सेहत के लिए अपने काफ़ी अच्छा रहता है और स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने भी सोचा आज सुबह सुबह चलते हैं, कुछ वॉकिंग वगैरह करके आते हैं, व्यायाम करते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सुबह सुबह का जो माहौल रहता है वो काफ़ी कूल रहता है, काफ़ी ठंडी हवा चलती है, तो काफ़ी मज़ा आ जाता है यहाँ पर सुबह सुबह घूमने का। देखो भाई, मैं कुछ आप लोगों को व्यायाम करके दिखाता हूँ, देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई भी बात नहीं, लेकिन प्रयास तो करते हैं। वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो है वो कर लेता हूँ। तो कैसा लगा आपको, ज़्यादा मतलब क्या है, काफ़ी दिनों से किए नहीं तो प्रैक्टिस भी नहीं है। पहले कभी जाया करते थे सुबह सुबह टहलने, तो हम टहलते टहलते आ गए हैं अपने यहाँ खेत के पास। देख सकते हैं यहाँ पे सरसों की फसल है, ये पीछे जो दिख रही ये सरसों की फसल है। जो आपको ये दिख रहे हैं सफ़ेद कलर के जो फूल दिख रहे हैं, ये है धनिया। ये जो है ये धनिया ये बड़ी हो चुकी है, इसमें फूल निकल आए हैं, देख लीजिए। आपको दिख रहा है एक पेड़ पीछे, ये जो पेड़ है इस पे, ये अमरूद का पेड़ है। इस पर पहले अमरूद लगे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं या बंदर भी आते हैं तो तोड़ डाले हैं। अब एक भी नहीं बचे हैं इसमें, और अभी छोटे छोटे लगना शुरू हुए। अभी मैं पास से आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर आपको जो पीछे दिख रहा है सारा ये आलू का ही पेड़ लगा हुआ है। जितना आपको यहाँ से दिख रहा है ये सारा पेड़ आलू का है, ये देख सकते हैं ये आलू है। देख सकते हैं आप जो ये आपको पीछे दिख रहा है ट्रांसफार्म लगा हुआ है, और ये पाइपें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मोटर रखे भी, यहाँ पे जो रूम नहीं बना है, और ये है समरसेबिल जहाँ से हमारे खेतों की होती है सिंचाई। अभी आपको मैं पास से दिखाता हूँ, ये यहाँ से पानी निकलता है, पाइप लगा हुआ है। और अभी लाइट नहीं आ रही, नहीं मैं आपको चालू करके दिखा सकता हूँ, नहीं तो आप न माने तो ये देख सकते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के नीचे बल्ब लटका हुआ है, नीचे जल नहीं रहा, जब लाइट आती तो परमानेंट चलता है। तो अभी लाइट नहीं आ रही, नहीं मैं आपको पानी चला के दिखाता, यहाँ से इसी से पानी निकलता। और ये जितने खेत यहाँ से दिख रहे हैं पूरे आपको सभी की सिंचाई होती है इसी से। आपको सभी को, आपके और आपके परिवार को हमारी तरफ से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और मैं होता ये है कि मैं कभी छोटा था जब कॉलेज में पढ़ता था, अब तो मैं BA फाइनल हो गया है मेरा,
तो अब कॉलेज नहीं जाता हूँ। तो कॉलेज जाया करता था तो वहाँ गीत वीत खूब गाया करता था। ये मेरा बचपन का शौक था, काफ़ी गीत वीत गाने में काफ़ी अच्छा था, तो गीत वगैरह गाया करता था। तो आज का जो दिन है वो 26 जनवरी का है। तो अगर मैं गांव में होता, अभी दूर हूँ यहाँ पे, अगर गांव में होता तो कहीं नज़दीक वाले स्कूल में ज़रूर जाता और कुछ आप लोगों को सुनाता। तो अभी टहल लिए हैं और टहल कर हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई है। देख सकते हैं, देखिए सूर्य भी निकल आया है काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा आज काफ़ी अच्छा धूप होने वाला है। देख सकते हैं सुबह से ही काफ़ी अच्छा मौसम है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो हम सोच रहे हैं चलें घर को। और वीडियो ये छोटा सा था, जैसा कि 26 जनवरी था तो इसीलिए मैं यहाँ बाहर आया था, तो आप लोगों को कुछ बताने के लिए। आप लोग कमेंट करके बताओ यार आपको ये कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। यदि हमारे चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आ, फिलहाल ऐसे तो नहीं, तो गाँव का सीन था, मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, प्रयास तो यही रहेगा। आप लोग देखिए और क्या करना है, और बस।